पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा द्वारा बालिकाओं महिलाओं की सुरक्षा हेतु स्पेशल पिंक स्कूटी दस्ता का गठन किया गया। स्पेशल पिंक स्कूटी दस्ता प्रतिदिन स्कूलों के खुलने बंद होने के समय सक्रिय रहने के साथ पार्कों, बाजार, मॉल वे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सघन चेकिंग कर मनचुलों पर सख्त कार्रवाई करने को है तैयार। नारी स्वावलंबन व नारी सशक्तिकरण को प्रभावी बनाने की पहल, महिला सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए मिशन शक्ति अभियान के तहत जनपद के समस्त थाना क्षेत्र की महिला सुरक्षा हेतु स्पेशल पिंक स्कूटी दस्ता का गठन किया गया है। ये दस्ता जनपद के समस्त 18 थानों सहित क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में सक्रिय रहेगा। सभी टीमों का दायित्व होगा कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त स्कूल, कॉलेजों, बाजारों, पार्कों, शॉपिंग मॉल वे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर छेड़छाड़, महिला उत्पीड़न की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु प्रभावी कार्य करेंगे। यूपी उत्तराखंड न्यूज 24/7 के लिए गोंडा से संजय मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद गोंडा में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, एंटी रोमियो मिशन शक्ति अभियान का शुभारंभ आज नवरात्र के प्रथम दिवस पे विधिवत रूप से किया गया है। इसी के तहत आज जो हमारी टीम थी, महिला कांस्टेबल्स की टीम जो थी एवं पुरुष कांस्टेबल की, उनको ब्रीफ किया गया किस तरीके से इस अभियान को कैरी फॉरवर्ड करना है। जनता के जो लोग थे उनसे संवाद कायम किया गया है। उसके साथ साथ एक स्पेशल दस्ता, स्कूटी दस्ता हमारे महिला सिपाहियों का, उनको फ्लैग ऑफ किया है, जो शहर में जाके एंटी रोमियो एवं मिशन शक्ति अभियान का पार्ट बनेंगे। और उसके बाद मैं स्वयं अपनी पूरी टीम, एडिशनल एसपी, सीओ साहिबान, जो हमारी महिला टीम है, महिला इंस्पेक्टर है, उन सभी के साथ क्षेत्र में निकलकर जो मंदिर है, स्कूल है, कॉलेजेस है, वहां पे जाकर संवाद कायम कर रहे हैं। और जितनी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं एवं पुरुष भी जो है हमारे, उनसे भी संवाद कायम करके मिशन शक्ति अभियान के बारे में, एंटी रोमियो के बारे में, महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के बारे में उनको जागरूक कर रहे हैं। हम ये क्लियर निर्देश दे रहे हैं कि कोई भी महिलाएं हैं, कोई भी हमारी माताएं, बहनें, बच्चियां हैं, उनकी सुरक्षा के लिए बिल्कुल ही हम लोग तत्पर हैं, उनकी सुरक्षा में बिल्कुल हम लगे हुए हैं। और जो विभिन्न हेल्पलाइन नंबर है, सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, उनके बारे में भी हम लोग अवगत करा रहे हैं और ये सुनिश्चित करा रहे हैं कि जनपद गोंडा में महिला सुरक्षा जो सर्वप्रथम हमारी प्रायोरिटी है, उसका मैसेज जन जन तक पहुंचे। और इसी में हम एक अन्य कार्य ये भी कर रहे हैं कि जो हमारे पुरुष भी है, जो नई उम्र के लड़के हैं या बाकी भी पुरुष हैं, उनसे भी वार्ता करके ये कह रहे हैं कि कोई भी पुरुष, कोई भी लड़का वैसा ही व्यवहार करे अन्य महिलाओं के साथ जैसा वो व्यवहार अपनी माताओं बहनों के साथ एक्सपेक्ट करते हैं। तो हम ना सिर्फ महिलाओं को बल्कि पुरुषों को भी जागरूक कर रहे हैं कि किसी महिला के साथ छेड़खानी, उसका हाथ पकड़ना, गलत व्यवहार इत्यादि ये सब नहीं करना है। और मुझे लग रहा है कि इस अभियान के से इसमें काफ़ी महिला सुरक्षा में, जनपद गोंडा में, सशक्तिकरण में काफ़ी हम लोग ऊंचाइयाँ छुएंगे और आने वाले दिनों में भी हमारा ये अभियान जारी रहेगा। और इस अवसर पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति महिला संबंधी अपराध में लिप्त रहेगा, उनके साथ सख्ती से निपटा भी जाएगा। अभी हाल ही में कई पुलिस मुठभेड़ भी हुई है, जिसमें ऐसे दुष्कर्म के अपराधी हो या इस तरीके के महिला संबंधी जो अपराध किए हैं, उनको पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने के बाद जेल भी भेजा गया है। तो ऐसे जो मनवट टाइप के लोग हैं, जो नहीं मानेंगे, उनको सख्ती के साथ निपट के, पुलिस मुठभेड़ अगर गोली चलाते हैं तो गोली से बात की जाएगी और साथ ही साथ उनके खिलाफ सजा भी करवाई जाएगी। 2 महीने 1 महीने के अंदर ऐसे अपराधियों को सजा करवा के कड़ी से कड़ी हम लोग मैक्सिमम सजा दिलवाने का भी प्रयास हम लोग जारी रहेगा।